दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। आज LIC शाखा बिलौर में LIC के निजीकरण को लेकर पूर्ण हड़ताल रही। शाखा का मुख्य गेट खुलने नहीं दिया गया, जहां आज LIC में हड़ताल देशव्यापी एक दिवसीय पूर्ण सफल रही। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, जिसमें प्रमुख मुद्दे LIC में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करना, LIC में सरकार अपनी हिस्सेदारी शेयर बाजार में लगाकर सट्टेबाजी के लिए तथा LIC कर्मचारियों का 41 माह से वेतन पुनर्निर्धारण नहीं किया जाना है, आम जनता का पैसा विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में नहीं जाने के विरोध में आज हड़ताल करके संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारी और कर्मचारियों ने अपना जबरदस्त विरोध जताया और तख्तियां लेकर नारेबाजी की तथा सरकार को आगाह किया कि आने वाले समय में अगर सरकार जन विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेगी तो कर्मचारी इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे। आंदोलनरत साथी राजा रामनागर, RB सिंह, अनिल कुमार, अर्जुन सिंह, आशीष, राकेश सैनी, उमा शंकर, नौशाद, दीपक, इकबाल, जितेंद्र और कई अभिकर्ता साथी व कानपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के शाखा सचिव जगजीत कुमार भी उपस्थित रहे। बिलौर कानपुर नगर से समराता दिवांश कटियार की रिपोर्ट। धोखा है, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।